नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, यूएन की बड़ी बैठक में भारत ने चीन को जमकर लथाड़ लगाई। सीपीसी प्रोजेक्ट की आलोचना कड़ी करते हुए जब चीन पे चढ़ाई की तो अचानक माइक हो गया बंद। जी हां, ड्रैगन ने की है कूटनीतिक चाल भारत के खिलाफ। यूएन में दूसरी बड़ी अपडेट, अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास सेना ने की तैनाती L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, हाईटेक जहाजों को गिराने में है सक्षम। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत खिलाफ आक्रामक रहे चाइना को अमेरिका ने दिया करारा जवाब। जहां जरूरत होगी वहां चीन को चुनौती देगा अमेरिका, अमेरिकी राजदूत का भारत के समर्थन में बड़ा बयान। चौथी बड़ी अपडेट, 100 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज पर भारत के लिए दोस्त इसराइल ने भेजा खास बधाई संदेश। ये आपको बताएंगे दोस्तों, 100 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज लग गई है। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां चीन भी कर रहा कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश में मदद, अब आतंकियों को मिल रही चीनी हथियार, हुआ बड़ा खुलासा। भारत के स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की सुगबुगाहट के बीच पलटी मारा चाइना ने। इस बीच अगली अपडेट, अफगानिस्तान बनने की राह पे बांग्लादेश, 33.6% कैसे आ गई हिंदुओं की आबादी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बासमती चावल की मेट से टकराहट के बीच जीआई टैग पे टकराहट, भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी, वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके खबर विस्तार से जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसे रूस में बड़ी बैठक हुई है भारत और तालिबान के बीच, बड़ी डील, वो भी बताएंगे। नेपाल में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास सेना ने तैनात किया L-17 एंटी एयरक्राफ्ट गन, हाईटेक जहाजों को गिराने में है पूरी तरीके से सक्षम, यानी चाइना के फाइटर जेटों को भी गिरा सकती है। भारत ने अरुणाचल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पे L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर दिया गया है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में M-770 होवित्जर और स्वीडिश बोफोर्स तोपों के अलावा L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती कर दी गई है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई में महीनों में सीमा विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक 13वें दौर की बातचीत हो चुकी है, हालांकि यह विवाद पूरी तरीके से हल नहीं हुआ है। बातचीत के साथ साथ चीन ने भारत से लगी सीमा में सेना की तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में भारत भी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि सेना से जुड़े सूत्र बताते हैं कि L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 2 महीने पहले तैनात किया गया था और इसे तैयार करने का मकसद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर भारतीय सेना की समग्र मारक क्षमता को बढ़ाना है। साथ ही आपात स्थिति में भारतीय सेना को कोई परेशानी न हो, पूर्वी सेक्टर में भारतीय सेना ने पहले ही बड़ी संख्या में बोफोर्स और होविट्जर तोपों की तैनाती कर रखी है। हम चलते हैं अगले अपडेट, यूएन की बैठक में भारत ने चीन को जमकर धोया। सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर की कड़ी आलोचना, दी चेतावनी तो चाइना ने चल दी कूटनीतिक, अचानक खराब हुआ माइक। दरअसल कल यूएन संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक के दौरान बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है जिसे चीन की साजिश भी बताया जा रहा है, हालांकि अभी जांच चल रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की दूसरी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में अब तक चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया ही था तभी माइक बंद हो गई। भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहनी बैठक के दौरान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और उनकी प्रमुख परियोजना CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा की आलोचना कर रही थी। जब उन्होंने इस विवादास्पद परियोजना पर नई दिल्ली की आपत्ति को लेकर बोलना शुरू किया तभी उनका माइक बंद हो गया। इसे चीन की काराना करतूत कहिए, एक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहीं इस बैठक को होस्ट कर रहा था। बैठक का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर के बीच हुआ, बाद में माइक ठीक होने से कई मिनट का समय लग गया। इतने ही एक दूसरे स्पीकर का वीडियो चलने लगा, फिर इस वीडियो को बीच में रोकते हुए संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल ल्यू झेनमिंग ने भारतीय दूतावास प्रियंका सोनी से अपनी स्पीच जारी रखने के लिए चीन के उप विदेश मंत्री हैं। माइक ठीक होने के बाद लियू ने सबसे माफ़ी मांगी। लियू झेनमिंग ने तकनीकी कारणों को वजह बताया, लेकिन आपको बता दें कि इस बीच यहां पे यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीपीईसी पर यूएन में भारत ने जमकर लथाड़ लगा रही थी, आर्थिक गलियारे को एक परियोजना के रूप में शामिल करना, भारत की संप्रभुता की प्रभावित करना है बताया है। उन्होंने बड़ा हमला बोला,
रखा है कि कोई भी देश उस पहल का समर्थन नहीं कर सकता जिसे उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हो। इसके अलावा कनेक्टिविटी जैसे पहल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे जुड़े कई मुद्दे भी हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत खिलाफ आक्रामक रहा चाइना, जहां जरूरत होगी वहां चुनौती देगा अमेरिका। अमेरिकी राजदूत ने भारत के समर्थन में किया ऐलान। चीन के अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नामित निकोलस बर्न्स ने कहा है कि चीन हिमालय सीमा पर भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है और अमेरिका को चीन सरकार के नियमों का पालन नहीं करने के लिए स्थिति में जवाबदेह बनना होगा। बर्न्स ने चीन में अमेरिकी राजदूत के रूप में अपने नाम की पुष्टि संबंधी सुनवाई के दौरान सीनेट की विदेश संबंधों से जुड़ी समिति के सदस्यों से बुधवार को कहा है कि चीन को जहां चुनौती देने की आवश्यकता है अमेरिका उन्हें वहां चुनौती देगा। उन्होंने कहा है कि जब भी चीन अमेरिका मुल्कों एवं हितों के खिलाफ कदम उठाएगा अमेरिका उनके सहयोगी की सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमज़ोर करेगा, अमेरिका उनके खिलाफ कदम उठाएगा। तो ये चीज़ें अमेरिका ने भारत के समर्थन में बड़ा ऐलान किया। अगली अपडेट। तो दोस्तों भारत में 100 करोड़ लोगों को लग गई है वैक्सीन। जी हाँ, 100 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज भारत के लिए दोस्त इसराइल ने भेजा खास बधाई संदेश। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 100 करोड़ डोज, जी हाँ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई है 130 करोड़ भारतीयों में। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी। नफ्ताली बेनेट की तरफ से ट्वीट करके पीएम मोदी और भारत को शुभकामनाएं भेजी गई हैं। इजरायली पीएम बेनेट ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी को बधाइयां जिन्होंने सफलतापूर्वक भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन को नेतृत्व किया, जिसके तहत आज भारत 1 अरब लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने आगे लिखा है कि इन जीवन रक्षक दवाइयों की वजह से ही वैश्विक महामारी को हराने में सफलता मिल सकी है। इसराइल के अलावा अमेरिकी दूतावास की तरफ से ट्वीट कर भारत को बधाई दी गई। दूतावास ने लिखा है कि आज कोविड-19 वैक्सीन के 100 करोड़ डोज होने के लक्ष्य को हासिल कर भारत को बधाइयां। तो भारत को भी चारों तरफ से बधाइयां मिल रही है और पीएम मोदी ने सुबह सुबह ही एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम किया। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन पूरी तरीके से कर रहा पाकिस्तान की नापाक साजिश में मदद, आतंकियों को दे रहा है चीनी हथियार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पीओके में हालत ख़राब हो चुकी है। जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता फैलाने की पाकिस्तान की नापाक योजना में चीन भी पर्दे के पीछे में शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां भी खुलकर चीन का नाम लेने से परहेज कर रही हैं, लेकिन आतंकी गुटों तक चीन के हथियार और ड्रोन लगातार पहुंच रहे हैं। चीन चाहता है कि भारत कई मोर्चों पर उलझे। आपको बता दें कि भारत पहले से ही चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पूर्वी लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के इलाकों में उलझा हुआ है। एक अधिकारी के मुताबिक चीन की ओर से हथियार, ड्रोन आदि ISI को दिए जाने के पुख्ता इनपुट एजेंसियों को मिले हैं। साथ ही पिछले कुछ महीनों में तालिबानी लड़ाकों का मूवमेंट भी चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने कड़े और बड़े एक्शन के प्रहार का ऐलान किया, उसके बाद से चाइना पीओके में आ घुसा और अपने हथियार को देने लगे आतंकियों को। हम चलते हैं अगले अपडेट। अफगानिस्तान बनने की राह पे बांग्लादेश, 33% से 6% पे आई हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते हफ्ते एक सप्ताह से शुरू हुई हिंसा की घटनाओं में अब तक कई हिंदुओं की मौत हो चुकी जबकि सैकड़ों घायल भी बताए जा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के बाद अब हिंदुओं की घटती आबादी की खबरें भी आने लगी हैं। ब्रिटिश काल पाकिस्तान से अलग होने पर और मौजूदा वक्त में हिंदुओं की आबादी के आंकड़ों में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की माने तो वहाँ तो हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। कहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 33% के आसपास थी तो जब घटकर अब 6% पहुंच गई है। 1901 में हुई जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि उस वक्त बांग्लादेश में 33% हिंदू और 66% मुस्लिम आबादी थी। 1951 में वहां मुस्लिम आबादी बढ़कर 77% और हिंदुओं की आबादी घटकर 22% हो गई है। तो ये है बांग्लादेश की सच्चाई। हम चलते हैं अगले अपडेट। बासमती चावल के GI टैग पर भारत पाकिस्तान के बीच मची तनातनी। दरअसल बासमती चावल के एकाधिकार के लिए GI टैग को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच रस्साकसी लगातार बढ़ती जा रही और इस रस्साकसी बढ़ने के पीछे वजह है यूरोपीय संघ की एक अदालत का फैसला। दरअसल यूरोपीय संघ की एक अदालत के हाल ही में आए एक फैसले ने पाकिस्तान को गुमराह किया। बासमती चावल पर उनके भौगोलिक संकेत GI टैग अधिकारियों को बरकरार रखा है।
बासमती चावल भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पैदा होता है और दोनों ही देशों इस पर अपना पेटेंट हासिल करने के लिए GI टैग लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत ने पिछले साल बासमती चावल के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत यानी PGI स्थिति के लिए यूरोपीय संघ में आवेदन भी किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेंगे लॉन्च, ट्रूथ सोशल होगा नाम। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जिनका नाम ट्रूथ सोशल रखा गया है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां ट्विटर पर तालिबान की भारी मौजूदगी है, जबकि आपके पसंदीदा अमेरिकी राष्ट्रपति को चुप करा दिया गया। उन्होंने बताया है कि उनका सामूहिक तथाकथित लिबरल मीडिया के लिए प्रतिद्वंद्वी की तरह रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विज्ञप्ति जारी कर बयान में कहा है कि उनके ट्रुथ सोशल का बीटा वर्जन नवंबर में आमंत्रित किया जाएगा, यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा और समूह के अनुसार इस प्लेटफॉर्म का स्वामित्व ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के पास होगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। हम चलते हैं अगले अपडेट। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या 88 पहुंच चुकी है। नेपाल की भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से 11 और लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक इन घटनाओं में 30 लोग लापता हो गए हैं। पूर्वी नेपाल के एक जिले पंचर में सबसे अधिक 27 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद इलम और दोती जिलों में 13-13 मौतें हुई हैं। कालीकोट, बिताड़ी, दलेधुरा, बजंग, हुमला, सोलुखुम्बू और समेत कई जगहों पर जमकर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मिले तालिबानी नेता, आर्थिक संबंधों में सुधार सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। दरअसल रूस ने बुधवार को अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक खास वार्ता की मेज़बानी की है जिनमें तालिबान और दूसरे पड़ोसी देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी के नेतृत्व में तालिबान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी मॉस्को में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान इनके बीच विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को व्यापक मानवीय सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की और खुद को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी बताया है। विदेश मंत्रालय को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान प्रकोष्ठ के बीच संयुक्त सचिव JP सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के नेतृत्व नेताओं से मुलाकात की है। हालांकि भारत ने इनमें जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा है कि तालिबान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के रूप में ना करें और जब तक ये करता रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। इसके साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फ़िलहाल भारत जो है एक तरीके से तालिबान की मदद, यानी तालिबान क्या अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे आया है। और उन्होंने कहा है कि भारत की तरफ से टोलो न्यूज़ ने बताया है कि भारत जो है इस बैठक में अफगानियों की मदद की भी बात कही है, खास करके उनको खाद और रसद के रूप में। हम चलते हैं अगले अपडेट। इसराइल के PM नफ्ताली बेनेट ने विदेश मंत्री जयशंकर के सामने कहा, वी लव इंडिया। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और जयशंकर से मुलाकात हुई। दोनों ने भारत को बेहतरीन दोस्त करार दिया। इसराइली प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश भारत से बहुत प्यार करता है और उसे एक अच्छे दोस्त की तरह देखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसराइल के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। एस जयशंकर ने बुधवार को इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि मैं सभी इसराइलों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम भारत से प्यार करते हैं और भारत के अच्छे दोस्त के तौर पर देखते हैं और सभी क्षेत्रों में अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, चीनी ऐप TikTok पर बैन का दिखने लगा असर, भारत को हुआ बड़ा फायदा, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। दरअसल TikTok बैन इन इंडिया के बाद भारत में जब TikTok बैन हुआ तो इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, लेकिन अब TikTok बैन का असर दिखने लगा है। इस मामले में भारत को बड़ा फायदा हुआ है। चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप TikTok बैन के बाद से भारतीय शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप कंपनियाँ फायदे में रही हैं। साथ ही भारत का एडवर्टाइज रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले 6 माह में शॉर्ट वीडियोस कंटेंट देखने वाले एक्टिव यूजर्स की संख्या में लगभग 1.37 गुना की मंथली ग्रोथ दर्ज की गई है। इसका अलावा घरेलू कंसल्टिंग फर्म
के लेटेस्ट रिपोर्ट्स में। साथ ही पिछले 2020 के साल के मुकाबले डेली एक्टिव यूज़र्स की संख्या 1.1 गुना की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें एक और बड़ी खबर, WHO ने बताया दुनिया में कैसी है कोविड की स्थिति। भारत में कम हुए मामले, यूरोप में 7% मामलों में हुई बढ़ोतरी। वहीं रशिया में भी कोरोना बेलगाम, 24 घंटे में कई मामले, 1000 ज़्यादा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि भारत में 11 से 17 अक्टूबर के बीच कोविड-19 दैनिक मामलों में 18% और संक्रमण से होने वाली मौत के मामले 13% कमी आई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि यूरोपीय क्षेत्र के अलावा विश्व में हर जगह एक सप्ताह में सामने आने मामले में कमी हुई है। WHO की ओर से मंगलवार को जारी कोविड-19 वीकली एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट में ये जानकारी दी है। वहीं रशिया में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा मामले आए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर, आपको विरोध का हक मगर सड़कों को ब्लॉक कर नहीं कर सकते हैं इस तरीके से जाम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हां, किसान आंदोलन और सड़क के इससे किसानों को हटाने की मांग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली और किसानों द्वारा हाईवे जाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकालीन के लिए आप अवरोध नहीं कर सकते हैं। अदालत ने किसान यूनियनों से सड़क से विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और अब इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को ही होगी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SK कौल ने कहा है कि सड़कें क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम बार बार कानून तय करते नहीं रह सकते, आपको आंदोलन करने का अधिकार है मगर सड़क अनिश्चितकालीन के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। अब कुछ समाधान निकालना होगा और हमें सड़क जाम के मुद्दे से समस्या है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर, अब आपको बता दें अनन्या पांडे NCB की पूछताछ, समीर वानखेड़े कर रहे सवाल। दरअसल मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस के में गुरुवार को नया मोड़ सामने आया है। ड्रग्स को लेकर NCB की टीम एक्शन में नजर आई। NCB की टीम बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर गई। NCB का समन मिलने के बाद अनन्या पांडे एजेंसी दफ्तर पर अपना बयान दर्ज कराया। अनन्या आर्यन खान के साथ हुई ड्रग्स चैट पर NCB एक्ट्रेस से सवाल कर रही। अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म लीगर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूरी जगन से कुछ दिनों पहले ET ने टॉलीवुड ड्रग्स केस में पूछताछ की थी। आपको बता दें कल शाहरुख खान भी मिलने पहुंच गए थे। अचानक अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर जेल में पहुंचे थे, जहां मीडिया के सवालों का जवाब दिए ही बिना भाग खड़े हुए थे। हम चलते हैं अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने LAC पर तैनात किए 100 से ज़्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर, कहीं युद्ध की तैयारी तो नहीं। दरअसल भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे अलग ही स्थिति बनी हुई है। सीमा से सैनिकों को हटाने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों की सेनाएं जगह जगह आमने सामने डटी हुई हैं। खबर आई है कि चीन ने भारत से जारी बातचीत के बीच 100 से